सभी देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आप सबका मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ केरला, केरला गॉड जोन कंट्री, और वहाँ का खाना इतना बढ़िया है जितने समझ नहीं आता कि वहाँ के जो देखने वाली चीज़ें वो ज़्यादा अच्छी हैं, खाना अच्छा है। अब देखिए, लोग भी अच्छे हैं, दृश्य भी अच्छे हैं और खाना भी अच्छा है। शुरुआत करें एक बड़े ऐसी वेजिटेरियन डिश के साथ में, उसके बाद कुछ खट्टी सी डिश और उसके बाद मीठी, यानी सारे स्वाद मिलेंगे केरला में, और आप चाहें तो मसाज भी करवा सकते हैं। शुरुआत करते हैं एक बढ़िया सी वेजिटेरियन रेसिपी के साथ। तो ये जो रेसिपी है वेजिटेरियन हम बना रहे हैं, ये किस चीज़ से बनाएंगे? ये वेजिटेरियन रेसिपी बनेगी एश कोड, ये जो है वाइट पेठा है। तो ये जो सब्जी है, ये देखिए, इसमें ये जो बीज हैं ये नहीं चाहिए हमें, तो इसके बीज निकाल कर फिर इसको बनाना है हमें, और इसे एक काम करना है, छीलना भी है। तो इसके छिलके तो नहीं चाहिए हमें, तो ये जो छिलके हैं ये निकाल लेने हैं, तो ये इस तरह से, और इसके पीसेज हमने काटने हैं, तो ये जो पीसेज हैं ये इस तरह से। तो ये काटने के बाद इसको पकाना है थोड़ा पानी के अंदर, नमक डालकर उसके साथ साथ इसमें हल्दी भी। तो ये पानी में नमक और हल्दी, और जब तक ये पकता है बाकी हम काम कर लेते हैं। और बाकी काम में क्या है, एक पेस्ट तैयार करनी है, और उस पेस्ट के लिए पहले थोड़ा सा तेल, और तेल में क्या चाहिए, तेल में एक्चुअली थोड़ी मिर्चें चाहिए मुझे। मैं ज़रा इसके बीज जो हैं वो निकाल लेता हूँ, और इसके साथ साथ इसमें मुझे चाहिए ये तेल के अंदर थोड़ा मेथी दाना। तो ये तेल में मेथी और ये लाल मिर्च, ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी पकानी है, और ये जो है इसको हम पकने देते हैं। और फिर जो पेस्ट हमने तैयार करनी है उसमें क्या क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास में नारियल, तो इसमें स्क्रेप किया हुआ ताज़ा नारियल, उसके साथ साथ क्या चाहिए, इसमें चाहिए थोड़ी हरी मिर्च भी, ज़्यादा तीखा चाहिए तो हरी मिर्च ज़्यादा डालें, दोनों का फ्लेवर एकदम अलग होता है। तो ये जो है ये ले ली हमने, ये इसके अंदर इसको भी पीसना है, और इसके साथ साथ थोड़ा राइस, ये राइस क्यों डालना है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, राइस इसमें जब इसे पकाएंगे तो बाइंडिंग देगा, थोड़ी सी थिकनेस और बाइंडिंग, वो इसलिए क्योंकि इसमें हम डालेंगे दही, अभी नहीं लेकिन ये दही की ग्रेवी बनेगी, तो इसलिए ये इसके अंदर डाला थोड़ा पानी, और फिर ये ले लिया और इसकी पेस्ट। चलिए, ये पेस्ट तैयार हो गई नारियल के साथ में लाल मिर्च, हरी मिर्च, मेथी, ये लेकर अब क्या करना है, ये जो दही मेरे पास है, दही एकदम फेंटी हुई, और फिर ये जो हमने पेस्ट बनाई है वो इस दही के अंदर इसको मिक्स करना है हमें। इसमें हल्दी भी लोग डालते हैं पीले, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का इसमें लाल जो है, लाल मिर्चों की वजह से इसका रंग। और फिर ये इसमें कुछ और चीज़ें, जैसे इसके अंदर नमक, और इसके साथ साथ इसमें गुड़, ये ले लिया, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, और फिर इसे मिक्स कर लेना है। तो ये जो हमारे पास है, अब बस ग्रेवी की तैयारी। और ग्रेवी की तैयारी कैसे होगी, ये पैन, पैन के अंदर थोड़ा सा तेल, और अब तेल में हमें क्या चाहिए, तेल के अंदर मस्टर्ड सीड्स, उसके साथ साथ करी पत्ते, और ये लाल मिर्च, ये लीजिए, और फिर ये जो हमारे पास है
ग्रेवी का सामान ये इसके अंदर। और अब जो है इसमें राइस का कमाल, ये इसके अंदर राइस जो है वो थोड़ा सा जो कच्चा है वो पकेगा, उससे इसकी बाइंडिंग होगी, नहीं तो ये दही है। लेकिन अब देखिए कितना बढ़िया इसका रंग आ गया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसको बिना लाल मिर्च के भी बनाया जाता है, लेकिन देखिए कितनी खूबसूरत ये डिश बन रही है। और अब ये चेक कर लेते हैं हम, ये जो हमारे पास है पेठा ऐश गुड, ये तैयार पानी में से निकाल के इसके अंदर। और ये लीजिए ये सब्जी जो है, आप इसको बना के देखें, खा के देखें। ये ज़रा इसमें मिक्स करनी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा इसको पकाना है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आपने करना क्या है, ज़रा टेस्ट कर लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि नारियल का फ्लेवर बड़ा अच्छा आ रहा है, लेकिन फिर भी टेस्ट कैसा है बहुत ज़रूरी देखना। ज़्यादा तीखी नहीं है, दिखने में रंग बड़ा अच्छा लग रहा है, और इसके अंदर जो मेथी का टेस्ट आ रहा है वो बहुत बढ़िया लग रहा है। उसके साथ साथ मिर्च है, ज़्यादा नहीं है, हल्की सी मिठास है कोकोनट की और गुड़ की। उसके साथ साथ जो सब्जियां इसके अंदर है, बस इसके साथ में अब स्टीम राइस हो, ये हो मज़ेदार आपके लिए डिश तैयार है। प्योर वेजिटेरियन, बिल्कुल प्याज नहीं है, लहसुन नहीं है। रसकलन बनाने के लिए 200 ग्राम पेठा, 2 कप दही फेंटी हुई, नमक स्वादानुसार, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच तेल और 3 बड़े चम्मच तेल, 5 सूखी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, 6 बड़े चम्मच कसा हुआ नारियल, 2 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच चावल, 1 और 1/4 बड़ा चम्मच कसा हुआ गुड़, 1 छोटा चम्मच राई, 10 से 12 कड़ी पत्ते। रसकलन बनाने के लिए पेठे को छीलकर बीज निकाल लें, फिर आधा इंच के क्यूब्स काट लें, फिर 1 कप पानी नमक और हल्दी पाउडर के साथ नरम होने तक पका लें। एक नॉनस्टिक पैन में 1 छोटा चम्मच तेल गरम कर लें, 4 लाल मिर्चों के बीज निकालकर तोड़ लें। अब पैन में मेथी दाने और इन लाल मिर्चों को डालकर 1 मिनट तक भूनें। नारियल, हरी मिर्च, भुने हुए मेथी दाने, लाल मिर्च और चावल के साथ 2 से 3 बड़े चम्मच पानी के साथ बारीक पीस लें। अब दही में ये पीसा हुआ मसाला, नमक और गुड़ डालकर मिला लें। एक गहरे नॉनस्टिक पैन में 3 बड़े चम्मच तेल गरम कर लें, राई डालकर फूटने दें। फिर डालें कड़ी पत्ते, बचा हुआ लाल मिर्च तोड़कर और दही का मिश्रण और अच्छी तरह मिला लें। पानी में से पेठे के टुकड़े निकालकर इस मिश्रण में डालें और अच्छी तरह मिलाकर एक उबाल आने दें। उबले हुए चावल के साथ इसे गर्मागर्म परोसें।